हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का मैथ्स का चैप्टर नंबर 7, रक्षाबंधन, जो आपकी न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 7 है ये। तो रक्षाबंधन मीन्स जो आपका फेस्टिवल होता है राखी का, उससे रिलेटेड अब ये है क्या। टुमोरो इज गोपाल्स फेवरेट फेस्टिवल, तो ये जो गोपाल है उसका फेवरेट फेस्टिवल है। सो गोपाल एंड धारा आर वेरी एक्साइटेड, वो दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। दे आर बी लव्ड आत्या, यानी कि उनकी फादर की सिस्टर, यानी कि आत्या मीन्स उनकी बुआ जो हैं, इज़ विजिटिंग देम टूडे, आज उनकी बुआ आने वाली हैं। दे हैव क्लीन एंड डेकोरेटेड देयर हाउस, उन्होंने पूरे घर को साफ कर दिया है और डेकोरेट भी किया है। केयरफुली ऑब्जर्व्स गोपाल हाउस, अब गोपाल की हाउस को देखो, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है ये देखो। यहाँ पर फ्रूट्स रखे हैं, फ्लावर्स हैं, और यहाँ पर देखो वो ऊपर जो है दरवाजे के ऊपर वो भी लगा रहे हैं, लीव्स लगाए हैं। यहाँ पर कुछ पानी या कुछ भी रखा हुआ है यहाँ पर, ये सब चीज़ें हैं। ओके, वट डू यू फाइंड इंटरेस्टिंग हेयर, अब यहाँ पर आपको क्या सबसे चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। देन जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगेगा वो आपको यहाँ बताना है। नाउ फाइंड एंड काउंट द नंबर ऑफ ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एंड राइट, अब ये जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ लिखे हैं, लीव्स, ग्लासेस, पोमोग्रेनेट एंड फ्लावर्स, इन सबको आपको काउंट करना और लिखना है। जैसे लीव्स, यहाँ पर लीव्स हैं, देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो लीव्स के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। नाउ ग्लासेस आपको काउंट करने हैं कितने हैं, सो ये ग्लासेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30, तो ग्लासेस कितने हो गए 30। पोमोग्रेनेट देखने हैं, सो ये बास्केट में है, सो कितने हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो पोमोग्रेनेट्स कितने हो गए 24। फ्लावर्स काउंट करने हैं, ये आपके फ्लावर्स हैं, ये आपको काउंट करने कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो कितने हैं फ्लावर्स 20। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि जो चीज़ यहाँ पर है हर एक चीज़ को इक्वली इन्होंने डिवाइड किया है। अगर एक बास्केट में 6 पोमोग्रेनेट हैं तो हर एक में 6-6 हैं। यहाँ पर अगर एक प्लेट में 10 है तो यहाँ भी 10 है, ग्लासेस भी 10-10 हैं। फ्लावर्स अगर यहाँ पर आप लीव्स देखोगे ये, तो एक तरफ अगर 12 लीव्स हैं तो दूसरी तरफ भी 12 ही हैं। तो सब चीज़ें इक्वली उन्होंने डिवाइडेड की हैं। नाउ सेलिब्रेशन बिगेन हो जाता है, यानी कि अब वो दिन आ गया जिसके लिए उन्हें मीन्स बहुत ज़्यादा वेट था। सो धाराज मदर हैज़ बोट सम मटेरियल फॉर द फेस्टिवल, गेस द फेस्टिवल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर, अब देखो वो फूल लेकर आए हैं, धागे हैं, मिठाई है, गिफ्ट भी है और बीड्स हैं, तो इससे कौन सा फेस्टिवल बनेगा, रक्षाबंधन। तो वो क्या बनाने वाले हैं, राखी। सो लुक माई टीचर हैज़ टोट अस टू मेक राखी, तो इनकी टीचर ने इन्हें सिखाया कि कैसे राखी बनानी है। तो ये देखो यहाँ पर दो थ्रेड लेने हैं, यहाँ पर दो दो बीड्स हैं, यानी कि 4 बीड्स हो गई और एक फ्लावर हो गया। फॉर ईच राखी वी नीड 1 फ्लावर एंड डैश थ्रेड, तो ये धागे कितने, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दो धागे हो गए, एंड बीड्स, बीड्स यानी कि ये वाले कितने हैं 1, 2, 3, 4 बीड्स हैं। सो नाउ वी नीड टू मेक 5 राखीज, अब हमें जो है कितना है 5 राखीज यहाँ पर बनानी है। सो ईच राखी यूजेस 1 फ्लावर, एक राखी में एक फ्लावर है, सो 5 राखीज है तो कितने फ्लावर्स हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने फ्लावर्स हो गए टोटल 5 फ्लावर्स हो गए, या फिर हम लिख सकते हैं दिस कैन ऑल्सो बी सेट 5 times 1, यानी कि जो है बार बार जो है एक एक फ्लावर 5 टाइम्स आया, सो डैट इज़ 5, सो 5 राखीज वी नीड 5 फ्लावर्स। ईच राखी यूज 2 थ्रेड, अब थ्रेड कितने हैं, दो दो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल कितने हो गए 10। सो इसे हम क्या लिखेंगे 5 times 2, यानी कि 2 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पर 5, देखो ये 2, 2, 2, 2, 2, तो कितनी बार आया 2, 5 टाइम्स, तो 2, 5 times 2 कितना हो जाएगा आपका 10। नाउ बीड्स कितने हैं, हर एक में 4-4 बीड्स थे, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
सो अब देखो ये भी हमारा 5 times आया, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 5 times, ओके। 5 times क्या है, 4, यानी कि 5 multiplied by 4, डेट इज़ 20। तो ये हो गया हमारा कि हमें कितना चाहिए। अब ये तो हो गया आपका 5 राखीज के लिए, तो 5 राखीज के लिए आपका कितना हो गया, आपको 5 फ्लावर्स चाहिए एंड 10 आपको जो है थ्रेड चाहिए एंड 20 जो है आपको बीड्स चाहिए। अब सेम आपको 10 राखीज के लिए बताना है कितना जो है आपको फ्लावर्स चाहिएंगे। अब देखो 10 राखीज हैं, 5 थे तो 5 हो गया, 10 है तो 10। अब 10 इसका जस्ट डबल होता है, 10 थ्रेड्स हैं, यहाँ पर 5 के लिए 10 था, यानी कि 5 2 जो है 5 times आया था, यानी कि 5 times 2 था। अब क्या होगा हमारा, 10 times होगा क्या 2, तो कितना हो गया 20। और बीड्स कितने हैं, हर एक में 4 4 हैं, जब 5 राखीज थी तो 5 times 4 बीड्स से, अब कितना हो जाएगा 10 times 4 बीड्स, तो कितने हो गए 40। ओके, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। नाउ अब इन्होंने बोला कि आपके पास 30 फ्लावर्स हैं एंड 30 थ्रेड्स हैं एंड 30 बीड्स हैं, सारी चीज़ें 30 30 है, तो आप कितने जो हैं राखी बना सकते हो। तो देखो इसमें क्या है, आपके पास 30 फ्लावर हैं तो फ्लावर के अकॉर्डिंग तो एक एक बनेगी, लेकिन हमारे पास एक राखी के लिए कितना थ्रेड चाहिए होता है, 2। सो 30 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, ओके। या फिर आप इस तरह से थ्रेड बना सकते हो, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, क्योंकि हमें थ्रेड कितने चाहिए, 2 2। सो कितना हो गया, 2 का टेबल आप पढ़ सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, या फिर आप थ्रेड बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 then 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 and 29 and 30। सो इसके अकॉर्डिंग कितनी राखी बनेंगी आपकी, 1। ये आपका 1 के इक्वल है जो 1 है, बिकॉज एक राखी के लिए आपको कितने धागे चाहिए यहाँ पर, 2। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसके अकॉर्डिंग 15 बन रही है, इसके अकॉर्डिंग 30 था। लेकिन मेन चीज़ क्या है, बीड्स, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा यूज़ होंगी आपके यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर बीड्स बनाते हैं, कितनी एक राखी के लिए चाहिए आपको, 4। तो ये हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29 30। अब देखो इससे हमारी कोई भी बीड नहीं बन, सॉरी राखी नहीं बन सकती, बिकॉज हमें 4 बीड्स चाहिए उसके लिए। तो हमारी कितनी राखी बनेगी, जितने हमारे अब ये बनेगा बीड्स जितने हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी राखी बनेगी। तो काउंट करेंगे अब यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी है, 7 राखी आपकी यहाँ पर बनेंगी। और बाकी क्यों नहीं बनेंगी, बिकॉज यहाँ पर देखो आपके पास 15 बन सकती है, लेकिन उसके लिए आपके पास बीड्स नहीं हैं, और फ्लावर आपके पास ज़्यादा हैं लेकिन आपके पास बीड्स और धागे यहाँ पर नहीं होंगे, तो इसलिए आपकी सिर्फ 7 राखीज ही यहाँ पर बन सकती हैं। नाउ जगन्नाथ स्वीट शॉप, बाबा अवर आत्या लाइक्स लड्डू, हमारी आत्या को लड्डू बहुत पसंद है, लेट्स बाय सम, तो उनके लिए कुछ खरीद लेते हैं, श्योर क्यों नहीं। 1 2 3 4, ओ आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड इन काउंटिंग देम, लेकिन मैं तो कन्फ्यूज हो गई इनको काउंट करते करते। वेट धारा, लेट द शॉपकीपर अरेंज देम इन द बॉक्स, पहले शॉपकीपर को इन्हें बॉक्स में अरेंज करने दो। हाउ वुड वी काउंट द लड्डूज इन द बॉक्स, अब देखो इनको हम कैसे काउंट करेंगे यहाँ पर, 1 2 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, सो 3 + 3 + 3 9, या फिर 3 times 3, यानी कि 3 कितने टाइम्स आया है, 3 times आ रहा है, तो डेट इज़ 9। सो कितने हो गए, 9 लड्डूज हो गए बॉक्स में। अब हमने लिए हैं 2 लड्डू, मतलब सॉरी 2 बॉक्सेज लिए हैं, तो दोनों बॉक्सेज में कितना है, 9 9 18, या फिर 9 आपका कितने टाइम्स आ गया, 2 times, 2 times 9 कितना हो जाएगा, 18। लेकिन इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 3 3 एंड देन 3 3 3, सो ये एक एक्स्ट्रा है, ये नहीं आएगा यहाँ पर। 6 times क्या हो जाएगा आपका, 18।
सिक्स टाइम थ्री आया है आपका, तो ये भी क्या हो गया 18, एंड सिक्स मल्टीप्लाई थ्री इज़ 18। सो या तो आप 9 9 करके ऐड कर सकते हो कि दो बॉक्सेस है दोनों में 9 9 है, या फिर आप 3 3 करके भी काउंट कर सकते हो, आंसर आपका सेम रहेगा। और यहाँ पर ये वाला 3 जो है एक्स्ट्रा दिया है, इसको यहाँ से हटा लेना, बिकॉज 6 जो हैं 3 हैं यहाँ पर। आफ्टर आतेन चिल्ड्रन के कम वी विल बी 9 पीपल इन टोटल हाउस, देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट 18 लड्डूज इक्वली टू ऑल, हाउ मैनी विल ईच ऑफ देम गेट या ईच ऑफ अस गेट। सो वो पूछ रहे हैं कि जब तुम्हारी आत्या आ जाएंगी तो और बच्चे आएंगे तो हम टोटल 9 हो जाएंगे, तो हम इन लड्डूज को कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तब देखो आत्या इसे क्या किया उसने, 9 प्लेट्स लिए बिकॉज 9 लोग होंगे, सो 9 प्लेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन पहले उसने एक एक यहाँ पर लड्डू रखा है, देन यहाँ से कट किया, एक लड्डू यहाँ कट, यहाँ पर कट, जैसे अब इसमें हम कर सकते हैं 1 लड्डू कट, सेकेंड कट, थर्ड कट, जो आप यहाँ पर रखते जाएंगे उस लड्डू को वहाँ से आपको कर देना है कट, हो गया नाउ 8 एंड 9। देन उसके बाद जो बच्चा है उसको फिर से हम स्टार्टिंग वाली प्लेट से शुरू करेंगे। अब यहाँ से कट किया, यहाँ पर एक और लड्डू, यहाँ से कट किया नेक्स्ट लड्डू, कट किया नेक्स्ट प्लेट में, मतलब एक लड्डू आप कट करेंगे और उसको नेक्स्ट नेक्स्ट प्लेट में डालते रहेंगे, और जैसे ही लास्ट प्लेट आएगी तो फिर से आपको स्टार्टिंग वाली प्लेट में वो डालना है। सो अब देखो यहाँ पर कितने बच गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब कितने बचे हैं, एक भी नहीं, 0। तो सबको कितने कितने लड्डूज मिले हैं, 2। 18 इक्वली शेयर्ड बाय 9, अगर 9 लोगों में 18 को इक्वली शेयर करोगे तो सबको कितने मिलेंगे, 2, यानी कि 18 को आपने डिवाइड किया। ये जो साइन है, ये जो साइन यहाँ बना है, ये होता है डिवीजन का, जब आप किसी चीज़ को इक्वली शेयर करते हैं, शेयरिंग भी आप इसे बोल सकते हो, उसे बोलते हैं। सो एक को कितना मिला, 2। नाउ लुक एट द फिगर केयरफुली, एस्टिमेट द नंबर ऑफ काजू कतली, तो बताओ कि टोटल जो है कितना हो सकता है। ओके, देन उसके बाद आपको करना है काउंट, जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल 20 हैं, एस्टिमेट किया है, देन काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो टोटल कितनी हो गई, 20। नाउ अब इन सबको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली इन 5 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले सबकी प्लेट में एक एक रखा आपने और यहाँ से एक एक को कट कर दिया, 1 2 3 4 5, ओके। एंड देन उसके बाद फिर से अब कितने बचे हैं आपके पास, यहाँ इन्होंने ऑलरेडी कट करके रखा है, तो अब कितने बचे हैं, यहाँ से आपको एक एक कट करनी थी, अब कितनी बच गई यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देन सबकी प्लेट में एक एक और रख दी, अब कितनी बची हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितनी बची, 10। देन उनके बाद जो 10 थी उसमें से एक एक और सबकी प्लेट में रख दी, सो अब कितनी बची, 5। अब 5 बची हैं तो सबकी प्लेट में एक एक और रख दिया, कितनी बची हैं, 0। तो अब देखो सबकी प्लेट में कितनी है, 4 4 4 4 4, तो सबकी कितनी मिली है, 4, यानी कि 20 को अगर आप इक्वली शेयर करते हैं 5 पीपल्स में, सो डैट आंसर विल बी 4, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 4। नाउ नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट ऑल द काजू कतलीज इक्वली अमंग 4 पीपल्स, अब 4 लोगों में इन्हें डिवाइड करना है। सो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया है, टोटल हमारी कितनी थी, काउंट करना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, 16 में से ये 4 एक एक प्लेट में रखी, तो अभी कितनी बची यहाँ पर, आप काउंट भी कर सकते हो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जैसे 6 है, 1 2 3 4 5 6, सब्ट्रैक्ट कितना करना है, 4 1 2 3 4, तो कितना बचा, 2 एंड 1, सो कितनी है, 12। देन उसके बाद क्या करना है, एक एक और आपको प्लेट में रखनी है, सो फिर से कितनी कम होंगी आपकी, 4 और कम करनी है। अब देखो 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ करना होता है आपको बोरो, बोरो करेंगे तो ये 12 होगा, ये 0, देन 12 में से आपको 4 सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आएगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पर अब आपको करनी है सब्ट्रैक्ट, ये 1 2 3 4, सो अब कितनी बच गई, 8। अब हमारे पास कितनी हो गई यहाँ पर, 2 2 हो गई, नाउ 1 2, 2 2 काजू कतली हमारे पास ऑलरेडी है, अब हमें एक एक और रखनी है, सो 1
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। अब हमारे पास है एट, तो अब हमें एट वाली सब्ट्रैक्ट करनी है। सो वन वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पर एक एक और आ जाएगी। ओके सो एट में से फोर गया तो कितनी बची, ओनली फोर। अब ये जो हमारी फोर बची हैं उसमें से हमें ये फोर और यहाँ से हटा देनी है ये वाली, तो अभी हमारे पास थी तीन तीन, तो एक एक और हटाएंगे तो कितनी हो जाएंगी, जैसे ये वाली कट की तो यहाँ आया, ये वाली कट की तो यहाँ आएगी, और उसके बाद ये कट करेंगे तो यहाँ पर। अब कितनी हो गई सबके पास, फोर फोर, और यहाँ पर कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचेगा, ये हो जाएगा आपका ज़ीरो। तो ईच विल गेट, सबको कितनी कितनी बची हैं, फोर 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 मिली हैं, यानी कि 16 को अगर आप फोर मतलब 16 काजू कतली को फोर पीपल में इक्वली डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आएगा, फोर फोर। अब देखो इसको करना है आपको, सबसे पहले एक में एक डालना है, वन टू थ्री फोर फाइव, अब कितने बचे यहाँ पर, टेन, देन वन टू थ्री फोर फाइव, अब कितने बच गए, फाइव। नाउ वन टू थ्री फोर फाइव, अब कितना बचा, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। तो 15 अगर आप इक्वली शेयर कर रहे हो बाय फाइव पीपल इज थ्री, यानी कि 15 को अगर 5 से डिवाइड करते हो तो आंसर कितना रहेगा, 3। नाउ ईच साइकिल नीड्स टू व्हील्स, हर एक साइकिल में दो दो व्हील्स लगेंगे। हाउ मैनी साइकिल कैन बी फिटेड विद 12 व्हील्स, तो 12 व्हील्स से आप कितनी साइकिल को फिट कर सकते हो। जैसे ये दोनों साइकिल के लिए इनके ऊपर हम नंबर वन लिख देते हैं, ये भी नंबर वन, देन इसके लिए नंबर टू, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर फाइव एंड नंबर सिक्स। तो कितनी यहाँ पर आपकी फिट हो गई, सिक्स। अगर आप टू का टेबल भी पढ़ोगे सिक्स तक तो आंसर कितना आता है, ट्वेल्व। नाउ लुक एट द पिक्चर केयरफुली, काउंट द नंबर ऑफ जलेबीज। अब जलेबी देखो कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर। नाउ काउंटिंग इन ग्रुप्स, अभी हमने एक एक करके काउंट किया था, अब आपको ग्रुप में काउंट करनी है। देखो फोर का एक ग्रुप है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पर, सिक्स ग्रुप्स, और कितने कितने के हैं, फोर फोर के ग्रुप्स हैं, क्योंकि हर एक में कितने हैं, फोर हैं। तो एक ग्रुप में कितने, जैसे आप अगर ग्रुप बनाते हो अपने फ्रेंड्स का तो आपके ग्रुप में कितने हैं, दूसरे ग्रुप में कितने, तो ये काउंट करते हो। यहाँ हर एक ग्रुप में सेम है, कितने हैं, फोर फोर। सो सिक्स टाइम आपका क्या आ रहा है, कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, फोर। सिक्स टाइम फोर कितना हो रहा है, टोटल 24। पापा वी हैव बोट 24 जलेबीज एट होम, वी आर 9 मेंबर्स, कैन वी हैव 4 जलेबीज ईच, क्या हम सबको 4 जलेबीज मिल जाएंगी। आर देयर इनफ जलेबीज फॉर एवरी वन इन धारा फैमिली टू हैव 4 ऑफ ईच, क्या धारा की फैमिली में जो है इनफ जलेबीज हैं उन सब के लिए। तो देखो अब आप कितने लोग हैं, 9, तो यहाँ आप प्लेट्स बना सकते हैं, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आपको जलेबियाँ रखनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कहाँ तक रखनी है आपको जलेबियों की काउंटिंग करनी है, 24 तक, बिकॉज हमारे पास कितनी है, 24, 9 हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। तो क्या 9 पर्सन को 4 जलेबीज, मतलब 24 जलेबीज में सबको 4-4 मिलेंगी। तो यहाँ देखो क्या हर एक ग्रुप में 4-4 जलेबी आई है, नहीं आई, बिकॉज हमारी तो 3-3 भी कम लोगों तक ही आई है। कुछ को तो जो लास्ट में 3 है उनको तो 3-3 भी नहीं मिली, तो आंसर विल बी नो, कि सबको 4-4 जलेबीज नहीं मिल पाएंगी क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। अब उन्होंने पूछा है कि कितनी और जलेबियाँ, हाउ मैनी जलेबी शुड बाय धारा बाय सो डैट एवरी वन कैन गेट 4, तो सबको 4-4 मिले तो कितनी जलेबी और ख़रीदनी पड़ेंगी इनके लिए। तो अब हम रेड कलर से कर देते हैं, एक्स्ट्रा जितनी भी हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये जो रेड कलर वाली हैं ये एक्स्ट्रा जलेबीज़ हैं जो उनको ख़रीदनी पड़ेंगी हर एक को देने के लिए। सो कितनी जलेबीज़ आ रही हैं रेड कलर वाली, 12, तो 12 जलेबीज़ और उन्हें एक्स्ट्रा ख़रीदनी पड़ेंगी।
नाउ धारा एंड गोपाल सी अ फ्लावर बेड ऑन देयर वे. द नंबर ऑफ प्लांट्स इज 6 + 6 + 6. अब 6 कितने टाइम आ रहा है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो 8 टाइम्स है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अभी अगर आप ये टोटल करते हो तो कितना हो जाएगा, 48. सो 8 टाइम्स जब 6 आता है सो डैट इज़ 48. या फिर अगर आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि 6 टाइम 8 है, 8 टाइम 6 नहीं है, 6 टाइम 8 है. जैसे अगर हम 8 वाला काउंट करें यहाँ पर इस तरह से, ओके. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 रोज हो गई और किसकी, 8 8 की. सो 8 अगर 6 टाइम 8 करेंगे तो भी आंसर क्या रहेगा, 48. ओके, दोनों वे में हमेशा आंसर क्या रहेगा, सेम. जैसे यहाँ पर इन्होंने करके दिखाया है. कैन यू कंप्लीट दिस मल्टीप्लीकेशन ग्रुपिंग एंड राइट इट एज अ मल्टीप्लीकेशन. सो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे इन्होंने ग्रुप बनाया है तो क्या इसी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो. सो यस, यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 4 4 के ग्रुप्स बना देंगे. ओके, पहले जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें क्या था, 1 1 का ग्रुप था. अब 4 4 के ग्रुप्स है तो 4 देखो, 4 है लेकिन कितने टाइम्स आया है ये. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. यानी कि 12 टाइम्स अगर 4 आ रहा है सो डेट वो भी आपका क्या होगा, 48. अब इन्होंने पूछा है कैन यू फाइंड मोर इक्वल ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. क्या आप इसको और तरीके से भी कर सकते हो, कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं देखो, अभी इन्होंने क्या किया था, 4 4 का ग्रुप बनाया है. हम 12 12 का बना देते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. एक ग्रुप हो गया 12 का, दूसरा ग्रुप हो गया 12 का, थर्ड ग्रुप हो गया आपका 12 का, एंड फोर्थ ग्रुप हो गया 12 का. सो ये ग्रुप्स हो गए आपके. अब आपके 12 के ग्रुप्स है, यानी कि 12 आ रहा है आपका. कितने टाइम्स बने हैं ये 12 के ग्रुप्स, 1, 2, 3, 4. यानी कि 4 टाइम 12 भी आपका कितना होगा, 48. 12 टाइम 4 करो या 4 टाइम्स 12 करो, आंसर आपका सेम रहेगा. जैसे कि 8 टाइम 6 हो या 6 टाइम 8 हो, आंसर आपका हर बार क्या रहेगा, सेम. इसी तरह से अगर आप चाहें तो और ग्रुप भी बना सकते हो. नाउ विजिट टू अ फार्म. द नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन टेक देयर अप्पा एंड कजन्स टू द फार्म. उसके बाद वो उसे फार्म पे लेकर जाते हैं. दे सी अ लॉट ऑफ चिकन्स देयर. वो सारे चिकन उन्हें दिखाई देते हैं. लेट अस काउंट द चिकन इन द फार्म. सो ये 2 हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 8 हैं, यहाँ पर 10 है, 12, देन 14, 16, 18 एंड 20. अब देखो आप एक चीज़ देखोगे, ये सारे जो हैं ग्रुप्स में हैं. यहाँ पे देखो 2 हैं लेकिन एक ही ग्रुप में है, यानी कि 1 जो है 2 टाइम्स है. ठीक है, एक ग्रुप है और उसमें जो है कितने हैं, 2 हैं. तो इस तरह से आपको करना. अब देखो 1 टाइम्स 2 इज़ 2, यानी कि 1 × 2 = 2. 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 2 2 = 4. 3 टाइम्स 2 इज़ 6, देन 6 हो गया. अब 4 टाइम्स 2 8 हो गया था, तो यहाँ पर 8 आएगा. 5 टाइम्स 2 कितना था, 6 10, तो यहाँ पर 10 आएगा. 6 टाइम 2 इज़ 12, सो आंसर इज 12. नाउ 7 टाइम्स 2 14, एंड 7 2 = 14. 8 टाइम्स 2 एंड 9 टाइम्स 2 एंड 10 टाइम्स 2. अब यहाँ पर कितना है, 16 16 18 18 20 एंड 20. देखो ये ग्रुप है आपका, ये ग्रुप देखो एक ही बार आया है, ये ग्रुप अब 2 बार हो गया, ये ग्रुप अब 3 बार हो गया. और कितने का ग्रुप है, 2 2 का ग्रुप है. सो जब आपका ग्रुप एक बार था सो 1 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6. सो जैसे जैसे वो ग्रुप में नंबर्स बढ़ रहे हैं, कितने ग्रुप होते जा रहे हैं और हर ग्रुप में कितना है, 2 2. तो ये आपका 2 का टेबल एक तरह से हो गया है. उसके बाद आता है आपका स्किप जंपिंग गेम. सो ये वाला पार्ट इसके बाद वाला हम करेंगे कल. सो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. एंड डेट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.